लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बर्बाद, अलग अलग राज्यों में नेताओं की बगावत, बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है कुनबा, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नहीं भरोसा। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो है कांग्रेस, और उसके अलावा भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस को जबरदस्त तरीके का झटका लगा है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी को भी जबरदस्त तरीके के झटके लग रहे हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कहां पर किस नेता ने दिया है विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त तरीके का झटका। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक ऐसा झटका लगा जिसके बारे में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस के विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। आप चब्बेवाल को होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। राजकुमार पंजाब की चब्बेवाल विधानसभा सीट से विधायक हैं। डॉक्टर राजकुमार कांग्रेस टिकट पर दो बार विधायक चुने गए। वो पिछले दिनों सुर्खियों में आए थे जब आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंच गए थे, तो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता थे। डॉक्टर राजकुमार फिलहाल होशियारपुर के अंतर्गत आते हल्का चब्बेवाल से विधायक हैं। राजकुमार ने 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2017 में उन्हें पहली बार कांग्रेस के टिकट मिली और होशियारपुर से उन्होंने जीत भी हासिल की। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमिंदर सिंह संधू को मात्र 7,646 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को ये पहला नहीं बल्कि तीसरा झटका है। कांग्रेस छोड़ने वाले तीसरे नेता हैं। इससे पहले गुरप्रीत जीपी और सांसद परनीत कौर कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। परनीत कौर ने 14 मार्च को दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी उन्हें पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीपी ने भी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर आप का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के चौरई से कांग्रेस से विधायक रहे गंभीर सिंह ने भी भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने भाजपा की सदस्यता ले ली। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सांसद नकुल नाथ को दोबारा छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद पूर्व विधायक गंभीर सिंह का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी और भी कई कांग्रेसी नेता भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं और जल्दी ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। गंभीर सिंह भाजपा में शामिल होने के लिए भोपाल रवाना हो गए थे, और गंभीर सिंह की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वो रघुवंशी समाज से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए थे, लेकिन पार्टी ने चौधरी सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से ही वो लंबे वक्त से पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की चौरई विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव चौधरी गंभीर सिंह, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद चौरिया, जिला उपाध्यक्ष सतीश मिश्रा, हरई जनपद अध्यक्ष कंचना उइके, नगर पालिका चौरई नेता प्रतिपक्ष अर्जुन रघुवंशी के साथ ही हरई जनपद पंचायत के सदस्यों ने, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजना और संगठन की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी कांग्रेस की टेंशन खत्म नहीं हो रही है और लगातार उनके सामने कई सवाल आ रहे हैं जिसका अंत नहीं हो रहा है। इसका समाधान ढूंढने की बजाय गुटबाजी में उलझे नेता अपने लिए संभावनाओं की तलाश करने लग गए हैं। दो विधायकों के बाद अब राज्य संगठन के प्रभारी अजय कपूर को भी भाजपा में जगह मिल गई है। इस बीच में विधान परिषद की एक सीट भी हाथ से निकल चुकी है।
खुद को प्रतिबद्ध कांग्रेसी बताने वाले प्रदेश नेतृत्व की पहली पांत के एक नेता का कहना है कि सीटों के बंटवारे तक आवाजाही की ऐसी ही सूचनाएं मिलती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के पहले से ही बिहार कांग्रेस में अंदरखाने उठापटक चल रही है। इसी की वजह से प्रदेश समिति की घोषणा तक नहीं हो पाई। इस उठापटक का कारण पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास बताए जाते थे, आखिर में उनसे कमान ले ली गई। मोहन प्रकाश को दिल्ली से ही फुर्सत नहीं मिली, ऐसे में लगभग सारा दायित्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर के पास था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनकी सक्रियता देखते बन रही थी। भारी देह के बावजूद उत्साही युवा जैसे वो अगली कतार में आकर दायित्व को संभाले हुए थे। राहुल के साथ वो उत्तर प्रदेश गए तो फिर वापस नहीं लौटे। कानपुर से चुनाव लड़ने की कामना में भाजपा के हो गए। लोकसभा चुनाव लड़ने की ललक में ही चिनारी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस छोड़कर भाजपा के हो गए। वंचित वर्ग के लिए सुरक्षित सासाराम की सीट पर उनकी दृष्टि लगी हुई है। महागठबंधन सरकार में मुरारी कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों में से एक थे, जबकि उसी समुदाय में उनसे वरीय विधायकों को अवसर नहीं मिला। मुरारी के साथ ही विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरव भी भगवा खेमे में चले गए। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी की महत्वाकांक्षा नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की है। राजा पाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी तो इन सारे झगड़ों की जड़ अनदेखी बताती है। वो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर पार्टी के हित की अनदेखी नहीं होती तो विधान परिषद में कांग्रेस 4-3 की संख्या के लिए विवश नहीं होती। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 5 मई को विधान परिषद में प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कांग्रेस की ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले के हवाले हो चुकी है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वाम दलों का सहयोग मिला था और ये दान प्रतिदान नेतृत्व की तरफ से गठबंधन धर्म बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त तरीके के झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक झटका उनके लिए मुसीबत बन रहा है। अब पार्टी के 2 सांसद दिव्येंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको जानना यहां पर यह जरूरी है कि दिव्येंदु अधिकारी बंगाल भाजपा के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के भाई हैं। वहीं अर्जुन सिंह पहले ही भाजपा में थे लेकिन वालस तृणमूल लौटे हुए थे, हालांकि अब वो फिर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो पहले भाटपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 2019 में भाजपा में शामिल होकर बैरकपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि साल 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद वो वापस तृणमूल में लौट गए और अब 2024 चुनाव में तृणमूल में उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए वो एक बार फिर से भाजपा में वापसी कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। ये क्षेत्र अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार ममता बनर्जी ने दिव्येंदु की जगह देवांशु भट्टाचार्य को तमलुक से तृणमूल उम्मीदवार बनाया है। इसी के बाद दिव्येंदु ने तृणमूल छोड़ने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस से अलग होने पर अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इसका कारण अपमान है, वो अपने विधायकों से मेरे खिलाफ नकारात्मक बयान देने के लिए कहते थे और कई मुद्दे थे, इसलिए टीएमसी में अब नहीं रहना, मैं कल भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। टीएमसी के एक और सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। यहाँ यानी दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकाल पर संभल जिले के सपा बसपा और कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई है और पार्टी में आने वाले नेताओं ने यह भी कहा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में प्रभावित कर वो पार्टी में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से प्रभावित होकर उन्होंने दूसरे दलों को छोड़ा है। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि भाजपा हर वर्ग की पार्टी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो कल्याणकारी योजनाएं लोगों को दी हैं उनसे प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के नेता हमारे साथ आ रहे हैं। 2024 का चुनाव जनता भारी बहुमत से जिताएगी। ज्वाइनिंग कराने में क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, क्षेत्रीय मंत्री विकास अग्रवाल, संभल के जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह शामिल रहे। भाजपा ज्वाइन करने वालों में मुख्य रूप से रेणु कुमारी, पूर्व चेयरमैन चंदौसी, हाजी असरार बाबू, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी असमौली तौसीफ अहमद, जिला पंचायत सदस्य
सुशील कुमार पाल के अलावा बाकी 28 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से विपक्ष के लिए अच्छी खबर तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जोरदार झटके जरूर लग रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर नजर आ रही है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।